आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। देखो, टेंस हैज बीन क्लासिफाइड इन थ्री टाइप। टेंस रिफर करते हैं टाइम को, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और हर टेंस को, लाइक प्रेजेंट इज यूज्ड टू टेल आवर ऑल एक्टिविटी इन प्रेजेंट, पास्ट इज यूज्ड टू टेल आवर ऑल एक्टिविटी इन पास्ट, एंड फ्यूचर इज यूज्ड टू रिफर आवर ऑल एक्टिविटी इन फ्यूचर। तो अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं होगा, देन यू विल फेस प्रॉब्लम व्हाइल स्पीकिंग, राइट। कभी ऐसा होगा कि आपको कोई पास्ट की एक्टिविटी बतानी है और आप उस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, ये हैं जो प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज की जाती है, और इन दिस वे यू आर नॉट एबल टू स्पीक आउट। तो आपकी यू पीपल आर फेसिंग प्रॉब्लम इन मेमोराइजिंग इट। फॉर दैट आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। टेंस को समझना बहुत ही आसान है। देखो, टेंस की जो दो चीजें हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वो उसका है हेल्पिंग वर्ब और उसका मेन वर्ब। किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और इस बात को समझना कि अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए, लाइक पास्ट की एक्टिविटी को बोलने के लिए मुझे कौन सा टेंस यूज करना है, और प्रेजेंट के और फ्यूचर को यूज बोलने के लिए कौन सा टेंस यूज करना है, इस बात को आपको समझना।